नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या आप भी मेरी तरह मुगालते में थे कि जनवरी जो है बहुत ठंडा था? क्या आपको भी ये गलत फहमी है कि जनवरी निश्चित तौर पर इतना ठंडा था कि इसने निश्चित तौर पर रिकॉर्ड्स तोड़ दिए होंगे? अगर आप भी इस गलत फहमी में जी रहे थे तो मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ। यह आंकड़ा मुझे भी पहली बार सुनने में थोड़ा सा अचरज से भरा लगा, लेकिन जब मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया तो जानकारी ये मिली कि ये जो जनवरी जा रही, मतलब चली गई है, अब तो फरवरी के महीने में है हम, ये जो जनवरी गई है ये 62 सालों की सबसे गर्म जनवरी थी। क्या आप यकीन कर सकते हैं इस बात पर? अभी कुछ दिन पहले लगातार दिल्ली में भी दिख रहा था फॉग कितना ज्यादा था। सुबह के वक्त जो लोग उठते होंगे निश्चित तौर पर उनको पता होगा, जो लोग जल्दी चाहे ऑफिस जाते हो, चाहे खेती बाड़ी का काम हो, इसके अलावा भी अगर और किसी तरह के काम है, जो बच्चे स्कूल जा रहे थे उनको भी जिस ठंड का सामना करना पड़ा है, लग तो ऐसा ही रहा था कि जनवरी निश्चित तौर पर ठंड के लिहाज से, और खास तौर पे नॉर्थ इंडिया में जिस तरह से हमने बर्फबारी देखी है, स्नोफॉल कई कई जगहों पर रिकॉर्ड तोड़ स्नोफॉल हुआ है, और जो चमोली वाला हादसा हुआ है उसके पीछे भी अब वजह यही बताई जा रही है कि बार बार क्योंकि स्नोफॉल हो रहा था, स्नो का इतना ज्यादा प्रेशर पहाड़ के हिस्से पर बन गया था कि पहाड़ का हिस्सा भरभरा कर गिरा है नदी में। तो एक तरह से तो ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है, दूसरी तरफ से ये डेटा सामने निकल कर आता है जो बताता है कि दक्षिण भारत में ये महीना 121 सालों में सबसे गर्म रहा है, और तापमान जो औसत तौर पर देखा जा रहा है वो 22.33 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि बिल्कुल नॉर्मल। ठंड की तो कोई बात ही नहीं कर सकते इस पे। साल 1919 में 22.14 डिग्री सेल्सियस और 2020 में 21.93 डिग्री सेल्सियस, ये दूसरा और तीसरा सबसे गर्म महीना रहा है, यानी 2020 की स्थिति भी अमूमन कुछ ऐसी ही थी। तो ये एक ऐसा डेटा है जिस पर पहली बार पढ़ने पे यकीन नहीं होता है, लेकिन जब आप इस पूरे के पूरे डेटा को एक दूसरे से तुलनात्मक तरीके से पढ़ते हैं तो फिर आपको जानकारी मिलती है कि भैया ये तो 62 सालों में सबसे गर्म जनवरी थी, कहां ठंड की बात कर रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।